थाना बागली के नगर चापड़ा में 9 अगस्त की शाम को आरोपियों द्वारा चापड़ा निवासी सावित्री बाई पाटीदार की हत्या कर दी गई थी, जिसका शव 10 अगस्त की शाम को मिला था। वहीं पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई थी। बागली के नवागत थाना प्रभारी दीपक यादव द्वारा सक्रियता से नए सिरे से महिला हत्याकांड मामले की जांच करते हुए साइबर सेल की मदद से उक्त अंधे कत्ल का खुलासा किया गया। उक्त मामले में 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 5 आरोपी एक ही परिवार के सदस्य हैं, जिसमें एक ही परिवार के पिता, पुत्र, पोता, जमाई और एक भांजा है, जिनके द्वारा महिला की हत्या रुपयों के लेन देन को लेकर की गई थी। शुक्रवार के दिन पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिव दयाल सिंह ने हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी व मृतक महिला साथ में ब्याज का व्यापार करते थे। उसी दौरान पैसे के लेन देन को लेकर आरोपी द्वारा अपने पुत्र के साथ हत्या की साजिश कर महिला को मौत के घाट उतारा था। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। देखिए, बागली थाना पुलिस ने एक 65 वर्षीय महिला का जो मर्डर किया गया था, चाकू मारकर जो हत्या की गई थी, उसका आज खुलासा किया है। इसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जो घटना में प्रयुक्त चाकू और अन्य चीज़ों को आज बरामद किया है। इसमें 5 आरोपियों ने, जो मृतिका महिला के साथ मिलकर बिजनेस करते थे, उन लोगों ने मिलकर और इसकी हत्या की थी और सबूत मिटाने के हिसाब से उसको दूसरी जगह पर बाड़े में फेंक दिया था। ये चुनौती बना हुआ था मर्डर और आज इसका खुलासा। सर, इन 5 में मुख्य आरोपी कौन था? सिद्धेश्वर नाम का व्यक्ति है, जो वहीं का रहने वाला है, चापड़ा का ही। वो और उसके परिवार के लोग हैं, 4 अन्य लोग, जिन्होंने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। सर, काय का बिजनेस करते थे ये मृतिका महिला और ये सब लोग? मिलकर ब्याज का धंधा करते थे, अन्य भी इनके धंधे थे। एक गिरवी रखे मकान को लेकर इसकी नियत खराब हो गई थी, उसको लेकर इसने महिला को अपने रास्ते से हटाने के हिसाब से इसने इसकी हत्या की थी। सर, पिछले सत्र से कोई रिकॉर्ड वगैरह थे क्या? नहीं, इस तरह का कोई रिकॉर्ड इनके नहीं थे। ठीक सर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।